So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And I'm so sorry that I was missing from YouTube like from a very long time. Or I'm already graduated guys, and I'm also placed. My campus placement bhi ho gayi hai. Now I'm gonna be a corporate girlie, and I will surely put vlogs of my corporate living alone life. But in the meantime, I was getting so many comments and so many DMs on my Instagram, jinko mera Instagram nahi pata hai, that is _ Gati Tyagi. I will mention somewhere here, so you can comments वैसे मैंने सारे सबको revert back कर दिए थे, सबके questions जो भी थे and DMs में भी. बट अगर आपको कोई भी query about बनस्थली, you can personally DM me, I answer all of your questions. Okay, so I was getting a lot of questions about बनस्थली, so I thought of making an Q&A for you guys. So before starting with it, I would say कि it's gonna be a very great journey for you guys. And all the best. I can tell you thoda cheeze, but you have to survive alone. So all the best for that. And abhi jo time chal raha hai, I guess abhi sabka aptitude test ho raha hoga. Sabko dates aa gayi hongi. Uske baad you will be having your counseling session. And in the before the mid July, you will get the dates. Jab aapko aana hai campus visit karna hai, ya matlab campus aa jana hai aapko. To उसकी डेट्स आपको आ गई होंगी, खुद मेल्स पे आ जाती हैं. सो आई डोंट थिंक कि रिलेटेड टू दैट यू विल बी फेसिंग एनी ऑफ द प्रॉब्लम. आई थिंक एडमिशन फॉर्म्स आर आल्सो क्लोज राइट नाउ. अब हो गए होंगे, आई डोंट हैव अ वेरी मच इंफॉर्मेशन अबाउट इट, बट यू कैन चेक ऑन द वेबसाइट. एवरी थिंग इज मैंशनड देयर, एवरी थिंग. बट डिस्पाइट दैट, जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसके लिए मैं हूँ. यू कैन पर्सनली आस्क मी, यू कैन कॉल मी दीदी. तो यू ऑलवेज की दीदी ये बता दो, दीदी वो बता दो, तो तुम्हारी दीदी है फिर उसके लिए. आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. इन केस यू फेस एनी ऑफ द प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन कम टू मी, आस्क मी. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में एक्चुअली मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, नहीं है अभी भी शायद. लाइक हर डिपार्टमेंट का सबका अलग अलग चीज़ें होती हैं, प्रोसेस अलग होता है, या प्लेसमेंट सबका अलग अलग होता है. तो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट सम अदर डिपार्टमेंट्स, उसके लिए मे बी मैं इतने अच्छे से आंसर नहीं कर पाऊँगी. अगर मेरे कोई फ्रेंड्स होंगे मैं उनसे पूछ के आपको बता सकती हूँ, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट. डिस्पाइट दैट, अबाउट योर जो भी क्वेरीज थी वो हम शुरू करें. फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था, दैट वॉज अबाउट द ड्रेस कोड. सो अब बनस्थली का जो ड्रेस कोड है, दैट इज़ खादी. तुम सिर्फ खादी पहन सकते हो, वहाँ कॉटन भी पहन सकते हो, बट कॉटन भी इट शुड नॉट बी कोई मिक्स नहीं होना चाहिए. मतलब या तो प्योर कॉटन, मतलब प्रॉपर कॉटन वाला कपड़ा होना चाहिए, या खादी होना चाहिए. यू विल बी हैविंग अ ब्लू, नेवी ब्लू, या पता नहीं कौन सा ब्लू कलर का था वो, एंड सरकारी स्कूल वाले बच्चे वाली यूनिफॉर्म. यू हैव टू वेयर अ ब्लू कलर का, आई डोंट नो वॉट कलर इट इज, आई विल शो यू, आई विल पुट अ पिक्चर हियर मे बी. तो वो आप, मैं यहाँ पे डालूंगी, दैट इज़ अ मतलब कुर्ता जो दो दिन आपको पहना होगा वीक में, दैट इज़ वेडनेसडे एंड संडे. दो दिन आपको वो कुर्ता इज़ कंपल्सरी. ट्यूजडेज ऑफ होते हैं बनस्थली में, फॉर पीपल हु डोंट नो इट. बनस्थली में संडे की छुट्टी नहीं होती है, बनस्थली में ट्यूजडे की छुट्टी होती है. तो आपको वो जो कुर्ता होगा वो आपको ट्यूजडे को पहनना होगा, एंड सॉरी वेंसडे को पहनना होगा और संडे को पहनना होगा. बाकी डेज जो है आपको सूट पहनना है, प्रॉपर सूट पहनना है. शॉर्ट कुर्ती नहीं होनी चाहिए, लेगिंग्स नहीं होनी चाहिए, और कोई भी कट स्लीव्स वाली कुर्ती नहीं होनी चाहिए, और डीप नेक बैकलेस कुछ नहीं होना चाहिए. प्योर सिंपल सूट कुर्ती होनी चाहिए, फिटेड नहीं होने चाहिए कपड़े बहुत ज़्यादा चिपके हुए एकदम से, क्योंकि इतनी गर्मी है. ऑनेस्टली मैं बोलूँगी कि चिपके हुए कपड़े मतलब बहुत ज़्यादा, जयपुर मतलब राजस्थान, ऊपर से यू डोंट हैव एसी, कूलर कुछ भी नहीं वहाँ पे. तो इट्स बेटर कि आप ऐसा कुछ कपड़ा पहनो जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो तुम्हारे लिए. तो ऐसा ही कुछ लेना. सूट मैंने ऐसा, जैसे कि मैंने बोला कि या तो खादी का हो या कॉटन का हो. जब डेली वेयर में जब आप पहनोगे
तो बाकी जो आपके वीकडेज होंगे उसमें आप कॉटन के सूट पहन सकते हो, लेगिंग्स नहीं होनी चाहिए। जो ब्लू कलर का यूनिफॉर्म वाला कुर्ता है उसके नीचे आपको वाइट कलर की पैंट्स चाहिए होंगी, या सलवार या पैंट्स या मतलब ट्राउज़र, सिंपल ट्राउज़र, वो भी मतलब स्किनी नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना। सेकेंडली, पीपल वर आस्किंग मी हम जीन्स पहन सकते हैं वनस्थली में या नहीं पहन सकते हैं या क्या पहन सकते हैं, तो आप नहीं पहन सकते हो। हॉस्टल के बाहर भी मोस्टली हमें सूट पहनकर जाने के लिए ही कहा जाता है कि कुर्ती पहनकर ही जाओ बाहर। बहुत बार होता है कि हम ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन अगर जीजी स्ट्रिक्ट हुई तुम्हारी, मतलब वार्डन स्ट्रिक्ट हुई तुम्हारी, तो नहीं पहन के जाने देंगी। सो इट्स बेटर कि जो पूरे पूरे कपड़े हैं, पूरे टी शर्ट शर्ट और टी शर्ट्स पहन के भी मतलब जाते हैं, बट वो ये कभी कभी जाने देती हैं, जीजी कभी रोक लेती हैं, कभी नहीं रोकती हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू द वो चेंज होता रहता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप ढीली ढीली सी मतलब कंफर्टेबल वाली बहुत सारी कुर्तियाँ ले आओ और ट्राउजर्स, और मतलब एक दो सलवार या जो भी आप वो दुपट्टा, इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट दुपट्टा भी अगर आप कैरी कर रहे हो तो वो सिंथेटिक का नहीं होना चाहिए, कुछ भी सिंथेटिक का होना ही नहीं चाहिए। अगर तुम कैंप उससे हॉस्टल से बाहर जा रहे हो सूट पहन के, तो मतलब बर्थडे पार्टीज वगैरह जब होती हैं, जब बच्चे बर्थडे पार्टी या मार्केट वार्केट जा रहे हो, तो पहन के चले जाओ सिंथेटिक का सूट या वो भी कुछ भी। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट जा रहे हो अपने, तो आप डिपार्टमेंट में नहीं पहन के जा सकते हो। यू हैव टू वेयर खादी और यू हैव टू वेयर कॉटन और यू हैव टू वेयर योर यूनिफॉर्म, ओके। और अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कोई में भी पार्ट लेते हो, देन यू हैव योर एक स्पोर्ट्स का लोअर एंड टी शर्ट होती है दैट यू कैन बाय फ्रॉम देयर ओनली। सो आई गेस ड्रेस कोड में इसके इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हॉस्टल में आप कुछ भी पहन सकते हो, मेस में पूरे पूरे कपड़े ही पहनने हैं। मतलब बाहर जाना है या मेस में खाना खाने जाना है, तो पूरे पूरे कपड़े, चैनल गेट पे भी पूरे पूरे कपड़े ही पहन के रखने होते हैं। मतलब या तो लोअर या टी शर्ट या कुर्ता या वट एवर, कट स्लीव्स नहीं होना चाहिए, कैप्रीज भी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट्स भी नहीं होने चाहिए। अगर आप बाहर जा रहे हो तो पूरे कपड़े, खाना खाने जा रहे हो तो पूरे कपड़े, हॉस्टल में मतलब वही कॉरिडोर या कमरे में कुछ भी पहनो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल द बेस्ट गाइस। तो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रेस कोड आई नो, और यूनिफॉर्म की कोई भी पिक्चर्स जो आप इफ यू विल आस्क मैं यहाँ पे लगा दूंगी। क्वेश्चन वाज व्हाट्स अलाउड इन वनस्थली, मतलब वनस्थली में क्या क्या चीजें हैं जो अलाउड हैं और क्या क्या चीजें हैं जो वनस्थली में अलाउड नहीं है। तो फॉर दैट आई वुड से कि आपके जो डिपार्टमेंट है, वी विल टॉक अबाउट दैट, जब आप कॉलेज जाओगे, योर फोन्स आर नॉट अलाउड, योर मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड इन डिपार्टमेंट। अगर आपके डिपार्टमेंट में आप फोन चलाते हुए या फोन हाथ में आपके दिख जाता है, तो यू दैट विल बी स्नैच्ड। यू कैन नॉट यूज फोन्स इन डिपार्टमेंट, नहीं यूज कर सकते हो, ओके। और बाकी क्या अलाउड नहीं है, वही जो हर हॉस्टल में होता है कि केटल नहीं ला सकते हैं, प्रेस नहीं ला सकते हैं, वो इंडक्शन नहीं ला सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं जो तुम नहीं कैरी कर सकते हो, बच्चे करते हैं। बट यही है कि अपने रिस्क पे लेकर आओ, अपने रिस्क पे यूज़ करो वो। सेकेंडली, कोई कूलर नहीं ला सकते तुम। बहुत सब पूछ रहे थे मुझसे कि दीदी हम कूलर ला सकते हैं, और कूलर ला सकते हैं तो कितना बड़ा ला सकते हैं, कितना बड़ा नहीं ला सकते हैं। नहीं ला सकते हैं आप कूलर ला ही नहीं सकते हैं वहाँ पे। कूलर इज नॉट अलाउड, प्लीज कूलर नहीं ला सकते हो आप। आपके टेबल फैंस, वो जो एक दीवार पे लगा होता है ना, वो वाला पंखा होता है, वो उसमें हवा नहीं आती है, तो इसीलिए आपको एक टेबल फैन, जो तूफान फैन भी देख लो, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो जो होता है, वहां से बाय कर सकते हो, या अभी आप घर से आओगे तो घर से ले आना अपना एक पंखा। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं ला सकते वहां पे, अलाउड नहीं है। कूलर नहीं ला सकते हो, एसी तो है ही नहीं, ना ला सकते हो ना कुछ। और कूलर तो प्लीज लेकर मत आना, और पूछना भी मत कि ला सकते हैं नहीं ला सकते, नहीं ला सकते हो आप, नॉट अलाउड, नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेकेशंस और उसका प्रोसेस।
सर वेकेशंस के लिए भी मेरे को बहुत सारे डीएम्स कमेंट्स आ रहे थे कि छुट्टियां कितने दिन की मिलती हैं, आप दीदी बाहर कैसे चले गए, बनस्थली से तो बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो आप कैसे चले गए, जाने कब देते हैं कब नहीं जाने देते हैं, और क्या प्रोसेस है उसका क्या नहीं, हम कब जा सकते हैं, नाइट आउट प्लान कर सकते हैं, नाइट आउट के लिए बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो आप नहीं जा सकते हो, आई एम सो सॉरी बट नहीं जा सकते हो आप। क्यों? क्योंकि सी मैं आपको एक प्रोसेस सिंपलर फॉर्म में बता देती हूँ। बनस्थली में अगर आपको हॉस्टल में बनस्थली के मेन गेट से आपको अगर बाहर जाना है तो यू शुड बी हैविंग योर गेट पास। और गेट पास कैसे मिलता है? पहले आपको आपके घर पे एक बुकलेट आएगी छुट्टी की साइन कराने वाली, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको पोस्ट करेंगे वहाँ पे उसका एक पेपर पे, किस डेट पे जा रहे हो, किस डेट पे आओगे, क्यों जा रहे हो, वो पूरा मेंशन करके आपके पेरेंट्स आपको भेजेंगे हॉस्टल में। देन जब वो हॉस्टल में आ जाएगा, फर्स्ट जीजी विल साइन इट। जीजी के पास ही आते हैं सारे कूरियर, कूरियर से रिलेटेड भी अगर है तो आप कुछ भी ऑर्डर करते हो वहाँ पे तो वो जीजी के पास आता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो आप कुछ ऑर्डर नहीं कर सकते हो वहाँ पे, बट हाँ अगर आप ऑर्डर करते हो वहाँ पे कुछ भी तो वो पहले जीजी का आता है। जीजी आपको ओपन कर करके दिखाती भी है, दिखाना है आपको जीजी को, देन यू कैन टेक इट। तो पहले जो है वो जीजी साइन करेंगे उसको, देन आप डिपार्टमेंट जाओगे, डिपार्टमेंट में साइन करा के आओगे, देन जीजी फिर से उसको वेरीफाई करेंगी, फिर जीजी से वेरीफाई करने के बाद फिर से आप डिपार्टमेंट जाओगे अपने, और डिपार्टमेंट में जाके फिर आपको गेट पास मिलेगा। तो तीन चार ये और ऊपर से पोस्ट आना, तो ये इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है। और आपको किसी भी ऐसे डीन सर जो होते हैं वो जब आपके वेकेशन टाइम में, लाइक राखी पे, पहली राखी पे जब आप जुलाई में जाओगे तो पहले ही छुट्टी राखी पे मिलेगी आपको, वो भी दो तीन दिन की छुट्टी मिलती है। हाँ वो है कि हम दो दिन का बोल के एक हफ्ते में आते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू अगर घर ही जा रहे हो, तो कहीं और बोल के कहीं और जा रहे हो बट फैमिली के बिना तो। और हाँ पहले आपके जो डिपार्टमेंट पे, डिपार्टमेंट वाले आपको घर पे फ़ोन करेंगे, पूछेंगे आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, इवन फिर ही वो आपका गेट पास बना के देंगे आपको। और जो जीजी है, जीजी भी आपको पहले घर पे फ़ोन करके आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, देन ओनली यू कैन गो आउट। तो ऐसे कुछ भी बोल के बिना पेरेंट्स से पूछे वगैरह तो आप कहीं जा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो छुट्टियों में भी आपको पहले छुट्टी होती नहीं है राखी पे, बट ले लेते हैं एक दिन की छुट्टी होती है क्योंकि राखी पे, तो राखी पे पहले घर जाते हैं, फिर आप नहीं जा सकते, फिर आप सीधे दिवाली पे जाओगे। दिवाली पे 15 डेज की छुट्टी होती है, दिवाली पे 15 डेज की इज द ओनली हॉलीडे यू विल गेट द होल ईयर जो मतलब ऑफिशियल छुट्टी होती है बनस्थली, वो दिवाली पे ही होती है। वी डू नॉट हैव एनी विंटर ब्रेक, तो वो हो गया। अगर दिवाली पे छुट्टी होने के बाद जब आप आओगे वापस, देन यू विल बी हैविंग योर फेस्ट, द ग्रेटेस्ट फेस्ट अपाजी, वो भी आप देख सकते हो मेरी वीडियो अपाजी फेस्ट की, और वो सबसे बड़ा फेस्ट होता है अपाजी जो नवंबर में होता है बनस्थली का। फिर वो आप अटेंड करोगे, उसके बाद आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, एंड जस्ट एग्जाम्स के जस्ट बाद यू विल बी हैविंग योर नेक्स्ट सेमेस्टर, तो यू विल नॉट गेट एनी ऑफ द विंटर वेकेशन, तो भूल जाओ। फिर सीधा आपकी जो समर वेकेशंस होंगी जो आपकी पूरी एक डेढ़ दो महीने की होती है, मई में, मतलब मई में छुट्टी होती है, जुलाई में आना होता है, तो दो महीने की जो छुट्टी होती है दैट इज द ओनली छुट्टी यू विल गेट। तो देर इज टू छुट्टीज ऑफिशियल छुट्टी जो बनस्थली की होती हैं, वो ये होती हैं दिवाली ब्रेक एंड द समर वेकेशन ब्रेक, बस दो, विंटर ब्रेक नहीं होता है। और सफिशियंट है, बीच बीच में अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, वैलिड रीजन होता है डीन से बात करके, यू कैन गो आउट, बट वही यू शुड पहले ही पेरेंट्स से बात कर लेना उस बारे में। अगर पेरेंट्स भी मान जाते हैं, डीन भी मान जाते हैं, तो आप जा सकते हैं, पर अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है उसमें तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो इतने भी छुट्टी में मत चले जाना कि मेरी तरह अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए आपकी। मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई थी क्योंकि मैं तो बस घर ही रहने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हॉस्टल एंड अदर मार्केट्स डिपार्टमेंट, अबाउट ऑल अबाउट द बनस्थली इंफ्रास्ट्रक्चर। सो अबाउट आई विल स्टार्ट विद द हॉस्टल। तो मेरा हॉस्टल भी बहुत लोग पूछ रहे थे, तो आई वॉज इन भुवनम। तो हर साल जो होता है आपका जो हॉस्टल होता है वो चेंज होता है, ठीक है, बट
मेरा लकीली हॉस्टल सेम ही था दोनों साल, और मेरा रूम भी मैंने दोनों साल सेम ही लिया था, बट ऐसा होता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, वो बस बाय चांस मिल गया मुझको. लेकिन यूजुअली जो हर साल है हॉस्टल्स चेंज होते हैं आपके, तो आप लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं हॉस्टल में, कमरे में, तो थोड़ा संयम बना के रखें, क्योंकि हॉस्टल में यूजुअली जो है आपके एक कमरे में तीन लड़कियां रहती हैं, तीन ऑक्यूपेंसी वाले रूम ही होंगे मोस्टली, टू वाले हैं बट वो बहुत कम है. टू ऑक्यूपेंसी वाले रूम इज लाइक एक फ्लोर पे दो रूम होंगे टू ऑक्यूपेंसी वाले, वो सबको तो नहीं मिल सकते हैं, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है या उसके बेसिस पे, और वो सबको तो नहीं मिल पाता है. तो यू हैव टू एडजस्ट इन अ रूम विद थ्री. एंड मैंने बहुत सारे ऐसे भी हैं रूम्स, मतलब और हॉस्टल्स में जो पुराने हॉस्टल्स हैं उनमें कि पांच पांच लड़कियों का भी बेडिंग है, तो पांच 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 वाले बेड्स भी हैं, तो तीन दो वाले भी हैं, तीन वाले भी हैं, बट मोस्टली आप गेट प्रिपेयर्ड फॉर द थ्री वन, थ्री वाले ही होंगे मोस्टली आप, क्योंकि अब सारे मोस्टली जो हॉस्टल्स हैं वो रेनोवेट हो रहे हैं, तो आई गेस आपको तीन वाला ही मिलेगा. एंड रूम्स आर प्रिटी गुड, आपको उसमें एक कबर्ड होती है और एक आपको आपका स्टडी टेबल होती है, लाइट्स प्रॉपर लाइट है, बेड है, सब कुछ. वो आपने मेरा अगर रूम टूर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसमें आप जाके देख सकते हो, रूम टूर वाली वीडियो देख लो, वो पूरा रूम टूर उसमें है. मैंने बल्कि वॉशरूम्स भी, मैंने रूम टूर वाली वीडियो आप देखोगे उसमें मैंने वॉशरूम भी दिखाया है. जो पुराने हॉस्टल्स हैं उनकी कंडीशन इज थोड़ी सी बेकार, और वॉशरूम्स में भी इट्स लाइक वन वेस्टर्न होता है, कमोड होता है, और बाकी थ्री इज योर द इंडियन वंस, एंड फोर बाथरूम्स होते हैं. तो और हर फ्लोर पे आई गेट अस चार वॉशरूम्स, चार हर कोने पे चार वॉशरूम्स होते हैं. और सो नेक्स्ट अबाउट द मार्केट्स, सो पहली बात तो आपको बनस्थली में सब कुछ ही मिल जाता है, ठीक है, पूरी मार्केट से. एक ओल्ड मार्केट है, न्यू मार्केट है, और जो स्टाफ है उनके लिए अलग मार्केट है, वी आर नॉट अलाउड टू गो इट, जितना मुझे पता है कि हाँ. और पर हाँ, हमारी जो मार्केट्स हैं उसमें यू विल गेट एवरीथिंग, खाने के लिए भी सब कुछ होता है. देर इज अन्नपूर्णा, शानूज, फन एंड फ्रॉलिक, मुक्तेश्वरी, और बहुत सारे हैं, और देसी जायका वगैरह. ओल्ड मार्केट में भी अग्रवाल्स, बहुत सारे हैं, तो मैं सब कुछ खाने की कोई कमी नहीं है वहाँ पे. इट्स मुझे लगता है कि हाँ, मे बी यू विल फाइंड इट अ बिट एक्सपेंसिव चीज़ें कंपेरेटिवली, पर इट इज़ फॉर अ रीज़न ऑल्सो. बट ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ वहाँ पे नहीं मिलेगा. और हॉस्टल में भी यू विल गेट फोर टाइम मील, ओके, चार टाइम मील. ट्यूजडे को स्पेशल बनता है, जिनको नहीं पता, ट्यूजडे को हमारी छुट्टी होती है, ट्यूजडे को हमारा जो लंच होता है वो स्पेशल होता है, उसमें एक डेजर्ट भी होता है. तो यू ऑल विल लव ट्यूजडेज, यू विल वेट फॉर ट्यूजडे कि कब आएगा ट्यूजडे. और इवनिंग स्नैक्स होता है, ब्रेकफास्ट होता है, चार टाइम का मैंने जैसे बोला, यू कैन टेक मिल्क ऑल्सो इन द मॉर्निंग ऑल्सो एंड एट नाइट ऑल्सो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट फाइव फोल्ड एक्टिविटीज. तो जब मैं आई थी बनस्थली में तो मुझे भी बहुत ज़्यादा वो था कि अच्छा, मैं तो ये भी कर लूँगी, वो भी, आई विल डू हॉर्स राइडिंग, आई विल डू जिम, आई विल डू स्विमिंग, आई विल डू दिस. तो जिनको नहीं पता है, आपको फाइव फोल्ड एजुकेशन होता है, यू कैन टेक एनी, चूज एनी ऑफ द एक्टिविटीज, एटलीस्ट टू तो आप एक्टिविटीज चूज कर ही सकते हो, और उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर. यू कैन चूज एनी 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 एक्टिविटी, सारी डांस फॉर्म्स होती हैं वहाँ पे. यू हैव जिम, यू हैव स्विमिंग, मतलब हाँ स्विमिंग भी है, हॉर्स राइडिंग भी है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिम, योगा, एरोबिक्स, whatever you just wanna do there, you can do it. Every semester आप कोई भी activity choose कर सकते हो, और you don't have to pay for it. You don't have to pay for anything क्योंकि वो आपकी फीस में इंक्लूड होता है उसका. तो आपको जाके बहुत लोग पूछे थे कि क्या चार्जेस होते हैं, मेरे को भी यही था कि इफ़ आई हैव टू ज्वाइन स्विमिंग डू आई हैव टू पे फॉर मतलब कुछ चार्ज और समथिंग या वो. बट नहीं, एक्सेसरीज, अगर आप एक्सेसरीज का यू हैव टू मतलब जो बाय करनी पड़ेंगे आपको, लाइक इफ यू आर डूइंग स्विमिंग, तो उसकी जो भी एक्सेसरीज हो, कॉस्ट्यूम या व्हाटएवर, तो वो यू विल हैव टू बाय, वो दे विल नॉट प्रोवाइड. बट डिस्पाइट दैट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग.
ठीक है. हॉर्स राइडिंग में भी सेम है, फॉर वट एवर यू हैव टू पे फॉर द एक्सेसरीज, बट रेस्ट देर इज नो चार्जेस, इट्स ऑन यू. और टाइमिंग्स अगर आप मैनेज कर सकते हो, सुबह और शाम होता है, उसकी भी टाइमिंग है एक्टिविटी की. ये नहीं है कि आप कॉलेज के टाइम में आई यू गोइंग फॉर स्विमिंग, यू कांट डू दैट. सो आपका अगर 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो 9 बजे से पहले लाइक 8 बजे तक एक्टिविटी होती है, लाइक 6 से लेके 8 o'clock तक, आई गेस 8 o'clock या 9 o'clock तक होती है एक्टिविटीज, और बाकी फिर शाम को होती हैं. तो आप या तो अपना मॉर्निंग शेड्यूल रख सकते हो या इवनिंग शेड्यूल रख सकते हो, या दोनों में एक एक्टिविटी सुबह एक एक्टिविटी शाम को, कुछ भी जो आप करना चाहो वो सब कर सकते हो. एंड आई वुड सजेस्ट कि गर्मी इतनी है वहाँ पे, और नेटवर्क इशूज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है वहाँ पे नेटवर्क की. तो आपके पास कुछ है नहीं करने को, तो आई वुड सजेस्ट कि 5-fold एक्टिविटी में ही पार्ट ले लेना, गुड फॉर यू. यू विल नॉट फील एम्प्टी, और ऐसा नहीं लगेगा, प्रोडक्टिव लगेगा कुछ लाइफ में, जो हमने तो कभी प्रोडक्टिव किया नहीं. मैं स्विमिंग भी गई, मैं जिम भी गई, मैं योगा भी गई, और एक दो दिन तो मैं बास्केटबॉल भी गई थी, और मतलब ऑनलाइन था तो मैंने कथक भी लिया था. बट ये कि मैंने, मुझे लगता है कि मैंने करा सब कुछ, बट बहुत एक कंसिस्टेंसी से नहीं किया. तो आई वुड सजेस्ट कि नेक्स्ट वी हैव नेसेसिटीज यू विल रिक्वायर इन बनस्थली. तो या हॉस्टल एसेंशियल स्मॉल ब्लो या कुछ भी जो जो चीज़ें तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे. पर जैसा कि मैंने बोला कि वहाँ पे बहुत पूरी मार्केट्स हैं, तुम्हें कपड़े भी मिल जाएंगे वहाँ पे, बाल्टी, पंखे और सब कुछ मिल जाएगा, शैम्पू, कंडीशनर, एवरीथिंग यू वांट, वॉट एवर यू वांट, यू विल गेट इट देयर. तो अगर आप बहुत ज़्यादा दूर से आ रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि सब चीज़ें खरीद के मत लेकर आना, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू गाइज. तो मैं उसके लिए बता देती हूँ कि यू विल गेट एवरीथिंग देयर, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी एसेंशियल्स जो आपको चाहिए होते हैं, एज अ गर्ल यू नो इट बेटर, वट एवर. अब इफ़ यू यूज कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ, स्पेसिफिक कुछ ब्रांड्स यू यूज़, तो आई वुड सजेस्ट वो ले आओ जो तुम्हें लगे कि हाँ ये यहीं पे ही मिलेगा या ये. बट मोर ओवर वहाँ पे सब कुछ मिलता है, वहाँ पे दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, देर इज़ 2 मेडिकल स्टोर भी हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं, बट मतलब हॉस्पिटल भी है बनस्थली का, बट वही है कि आई वुड नॉट सजेस्ट इट ज़्यादा ऑनेस्टली. बट हाँ, फॉर इमरजेंसी है, और मतलब बाकी सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा आपको. और डिस्पाइट दैट, जो मैं बोल लूँगी कि ये चीज़ आप ले आना या वो, मुझे लगता है कि बहुत सब सारी वीडियोस हैं ऑलरेडी, हॉस्टल एसेंशियल्स ये वो, तो वो आप उसकी हेल्प ले सकते हो. वरना अगर इफ़ यू वॉन्ट मी कि एक हॉस्टल एसेंशियल की वीडियो भी बनाऊँ, या उसके लिए मैं आपको पर्सनली बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर देना. और अगर वैसे कोई क्वेरी है, तो DM कर सकते हो पर्सनली. माई ID इज _GatiTyagi, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी. तो अगर हॉस्टल एसेंशियल्स क्या क्या आपको चाहिए स्पेसिफिकली रहने के लिए, तो उसके लिए अगर आप एक यू वॉन्ट मी टू आंसर यू लाइक स्पेसिफिकली एक 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 चीज़, तो आप मुझसे कमेंट में या DM करके आप मुझसे पूछ सकते हो. आई विल आंसर इट. बट मैं यही बोलूँगी कि जो मेन चीज़ आपको, बाकी तो सब कुछ आपको पता ही है कि बेडशीट्स लानी है, और आपको अपना बाल्टी, जो भी बकेट वगैरह आपको चाहिए होगी, या आपको जो भी खाने के लिए स्नैक्स चाहिए, जो भी आपको डेली, जो भी आपको जो 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 आपको, यू नो योर सेल्फ कि वॉट यू विल नीड एंड वॉट यू विल नॉट इफ़ यू आर नॉट एट होम ऑब्वियसली. बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको पता है कि ये एज अ गर्ल, क्योंकि लड़के तो रह लेते हैं फिर भी, बट वी एज गर्ल आर सो मच पर्टिकुलर अबाउट लिटिल लिटिल थिंग्स. सो वो लिटिल लिटिल थिंग्स सबकी अलग भी हो सकती हैं. सो आप अपना खुद एक बैठ के लिस्ट बनाना कि दिस इज व्हाट आई रिक्वायर वहाँ पे. हाँ, कपड़े सुखाने के लिए तार वार वहाँ पे होते हैं, तो वो लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बना रहे थे लिस्ट, तो हमने भी तार वार लेकर गए थे हम, मतलब द वो हैंग वाला, बट आपको नहीं ले जाना, वो है ऑलरेडी वहाँ पे, हर रूम के सामने है, और वो ले जाने की ज़रूरत नहीं है. क्लिप्स वगैरह ले आना, और बाकी तो यू नो इट, क्या क्या लाना है तुम्हें, क्या नहीं लाना. पंखे की है, पंखा वहाँ पे थोड़ा, मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो आप अपना पंखा खुद ला सकते हो. तो वो मैं कहूँगी कि हाँ, पंखा ले आना, बाकी कपड़े अपने
देख के लाना, बहुत ज़्यादा जीन्स वीन्स ला के कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ नहीं पहन पाओगे, ऊपर से वहाँ गर्मी इतनी है, तो आई वुड सजेस्ट उसमें आप यू कैन स्किप दैट। बट हाँ, कुर्तियाँ वगैरह और थोड़ी कंफर्टेबल कॉटन की कुर्तियाँ ज़्यादा लेके आओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी यू डोंट नीड एनीथिंग सच जो वहाँ पे नहीं मिलता है, वहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है। बट वाई इफ यू आर वेरी मच bound to have something particular about certain things that I will be requiring this and I will not get it somewhere particularly, तो वो आप ले ला सकते हो। अगर मतलब वही मैंने कहा कि if you have any allergies, if मतलब कुछ भी ऐसा कुछ है, तो अगर आपकी particular कोई दवाइयाँ हैं या कुछ भी, तो वो आप अपने आप लेकर आ सकते हो। बाकी सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल होता है, सब कुछ ला सकते हो आप, मतलब सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि इतना भर के ट्रैवल करके लेकर आने का कोई फ़ायदा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, तो वहाँ पे यू कैन डू द शॉपिंग, झाड़ू वाड़ू ये सब चीज़ें, मॉप वगैरह सब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट प्लेसमेंट्स एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अ लॉट ऑफ यू वॉज आस्किंग मी अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, कि क्या होता है वहाँ पे, डू यू गेट द कोचिंग ऑल्सो, मतलब तो वहाँ पे आपको कैट वगैरह की कोचिंग भी मिलती है, इवन आई गेस यूपीएससी वगैरह का भी है, और कोचिंग वगैरह वो प्रोवाइड होती है वहाँ पे, यू हैव टू पे मोर फॉर दैट। अब उसके क्या क्या चार्जेस हैं, क्या क्या फीस हैं, वो जो बाहर होती है आई गेस सिमिलर टू दैट ही है आई गेस। और सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं मोस्टली का है वहाँ पे, पर्टिकुलरली अब अगर आपको पर्टिकुलर किसी एग्जाम का पूछना है तो यू कैन कमेंट डाउन या यू कैन डी एम मी फॉर दैट, I'll try to answer it out। But हाँ, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो एंड यू वॉन्ट सम कोचिंग, तो यू विल गेट दैट देर। ओके, सेकेंड अबाउट द प्लेसमेंट्स ये है कि सब डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, जितने भी लोग बच्चे प्लेस होते हैं, जो बनस्थली का लिंक्डइन प्रोफाइल है वो वहाँ पे मैंशन करते हैं उसका विद द पैकेज आई गेस। बट फॉर बीटेक सी एस प्लेसमेंट्स हर जगह के अच्छे ही होते हैं, बनस्थली का भी अच्छा है, और एवरेज पैकेज भी मुझे आई गेस लगता है कि एवरेज पैकेज वॉज आई गेस 10-15 तो चला जाता है एवरेज पैकेज इतना बनस्थली में एवरेज, और हाईएस्ट भी काफ़ी अच्छा जाता है आई गेस बीटेक बनस्थली में बहुत अच्छा है। अगर बीटेक के लिए आ पा रहे हो तो सेकेंड क्वेश्चन को सेकेंड आपको थॉट देने की ज़रूरत नहीं है, मनस्थली से आप बीटेक कर सकते हो। बाकी मैनेजमेंट में आई वॉज डूइंग द मैनेजमेंट, सो माई प्लेसमेंट्स वर नॉट दैट हाई, आई गेस 8 भी गया मुश्किल से ही है, 7-8 लाख हाईएस्ट पैकेज में आई गेस गया है, और जाता है आई गेस एक दो कंपनीज आती हैं जो हाई ऑफर करती हैं, बट इट्स ऑन यू कैन टेक इट, नहीं भी निकाल पाते हैं तो या सो एवरेज पैकेज आई गेस फॉर मैनेजमेंट इट इज 3 to 4 के बीच में रहता है मैनेजमेंट, बीकॉम बीबीए इवन एमबीए का जाता है थोड़ा हाई, बट आई वुड सजेस्ट कि बहुत ज़्यादा हाई जाते हर जगह हैं, लाइक बैचलर्स में तो नहीं जाएंगे बट हाँ मास्टर्स में अच्छा जाता है, लेकिन वही कि it's on you, it's not on the college, it's on you whether you can take it or not, तुम्हारी capability पे depend करता है या whatever, अगर उसका aptitude test भी नहीं clear हो पाता है बहुत से, तो फिर कैसे होगा, फिर people blame the college कि अच्छा आपने तो कहा था placement बहुत अच्छा है, हुआ ही नहीं, तो वो ये कि वो हर जगह ही ऐसा होता है, फिर Nobody is going to give you the job in hand without you doing anything for yourself. तो ये किसी पे blame डालना कि अच्छा कॉलेज में तो आए, अभी आते हर जगह हैं और बनस्थली में अपॉर्चुनिटीज हैं, it's on you how you use it. ठीक है, तो this is all I would say for placements. और average packages भी मैंने बता ही दिए हैं कि इतना जाता है, और एवरेज जो कॉलेजेस में जाता है एवरेज उतना जाता है, वनस्थली का भी जाता है उतना, एंड अच्छी कंपनी से भी टाई अप है वनस्थली का, और जब आप डिपार्टमेंट जाओगे तो किन किन से का टाई अप है वनस्थली का वो वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, यू कैन चेक इट आउट।
Okay, so the last question I'm taking is about the attendance. So about the attendance, it's like आपको 70% attendance चाहिए होती है. चाहिए मतलब चाहिए ही होती है, ठीक है. बनस्ली का ये है कि यू गेट सम क्रेडिट मिलता है थोड़ा सा, वेदर इट्स ऑन योर मेडिकल और ये वो. बट अगर आपको किसी ने ये बोला है कि अरे नहीं कुछ नहीं होता अटेंडेंस का, हम तो पूरे टाइम नहीं गए थे, कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए मैं बताता हूँ, मैं जीता जागता वो हूँ. होता है अटेंडेंस कम होने पे यू गेट डिबार्ड. डिबार्ड का मतलब ये होता है दैट बनस्थली में ये नहीं है कि यू विल, अगर इस सेमेस्टर तुम्हें एग्जाम नहीं देने दिया गया है तो नेक्स्ट सेमेस्टर तुम दे दोगे उसका एग्जाम. नो, अगर इस सेमेस्टर में नहीं दिया, इस सेकेंड ईयर में के किसी में या फर्स्ट ईयर में नहीं दे पाए तुम कोई एग्जाम, या तुमने मिस कर दिया, फेल हो गए, तो नेक्स्ट सेमेस्टर नहीं होगा उसका एग्जाम, तुम्हारा नेक्स्ट ईयर होगा. बहुत सारे कॉलेजेस में नेक्स्ट सेमेस्टर में ही हो जाता है, बट नहीं, इसमें नहीं होता, नेक्स्ट ईयर में होगा तुम्हारा. अगर तुमने फर्स्ट ईयर में डिबार हुए, सेकेंड ईयर में तुम्हारा एग्जाम होगा. सो बी केयरफुल अबाउट इट. अगर थर्ड ईयर में हो गए तो पता नहीं कब होगा फिर. आई गेस स्पेशल एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, हो जाएगा. बट प्लीज डू नॉट टेक अटेंडेंस लाइटली. अगर शुरू में ही पूरा कंप्लीट अटेंडेंस पूरी रखोगे तो एंड तक चला जाएगा, लेकिन अगर शुरू से ही डामाडोल है, कॉलेज नहीं जा रहे हो, हॉस्टल में हो और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, लाइक मी, मेरे साथ एक बार हुआ ऐसा, आई एम बहुत ज़्यादा स्कैर्ड कि बहुत डर लगता है फिर मुझे अटेंडेंस से, तो अब उसके लिए मैं कहूँगी कि अटेंडेंस को लाइटली मत लेना प्लीज़. अटेंडेंस पूरी रखना, लेकिन ये भी नहीं है कि एक दिन भी नहीं जा रहे, मेरी तबीयत खराब है फिर भी अटेंडेंस पूरी करनी है, नहीं इतनी भी जल्दी नहीं है. इफ़ यू आर नॉट वेल, कीप मतलब टेक रेस्ट, क्योंकि और अपना मेडिकल वगैरह बनवा के रखना, सबमिट इट, यू विल गेट द क्रेडिट, बट इतना लाइटली भी मत लेना दैट यू आर हैंगिंग आउट इन द मार्केट और इन समवेयर एल्स और एट होम एंड यू आर टेकिंग अटेंडेंस सो लाइटली. प्लीज डू नॉट. Do not. It's not a joke. Now you have been, you're not in school now and you're in college finally. All the best for that and congratulations as well. But don't take things lightly. It's high time that you have to take your life seriously now. So for this video, I would like to end it here. And agar इससे रिलेटेड, अगर इसके डिस्पाइट भी किसी को कोई भी क्वेरी बच गई है, कोई भी क्वेश्चन बच गया है जो मैंने आंसर नहीं किया है, या डिटेल में नहीं बताया है, या कुछ भी है, तो मैंने जैसे बोला, यू कैन कमेंट या तो वीडियो पे, या यू कैन डीएम मी पर्सनली ऑन _ गति त्यागी. आई डू हैव अ गार्गी सेकेंड अकाउंट एज वेल, उस पर भी मुझे डीएम आते हैं जिनको गार्गी के नाम से मिल जाता है वो वाला अकाउंट, बट माई मेन अकाउंट इज _ गति त्यागी. आई विल मेंशन इट. यू कैन, जो भी क्वेरी हो, कभी भी कोई भी क्वेरी हो, यू कैन, आई विल आंसर इट देयर. और बाकी थैंक यू फॉर द वीडियो एंड वेरी, मतलब बहुत ओवरवेलमिंग दैट माई जर्नी एंड्स हियर एंड आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ बनस्थली मतलब एनी मोर. मतलब आई विल बी, बट इट्स ओवरवेलमिंग थोड़ा सा. सो इट विल बी अ ग्रेट जर्नी फॉर यू गाइज टू. सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो. अगर पूरी देखी है बिना स्किप करे हुए, तो फॉर दैट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग बनस्थली विद यू. साथ में बैठ के देखना प्लीज़.